जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना में बड़ी संख्या में JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और इन एयरक्राफ्ट की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी थिंक टैंक ने ये कुछ प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है, इसको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्राप्त हो चुकी है। दरअसल इसका आधार माना गया 2023 की एक फोटो को, जहां पर JF-17 थंडर ने RAD-1 मिसाइल को कैरी किया था, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर में इंडक्ट किया गया है। अगर हम राड ALCM की बात करें या एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करें, तो पहली बार इसे 2007 में टेस्ट किया गया था और उसके बाद कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को कैरी करने में ये सक्षम है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने JF-17 के फ्लीट को इस मिसाइल से पूरी तरीके से इक्विप करने का विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट इंटरनेट मीडिया में काफी ज्यादा सर्कुलेट की जा रही है, जहां पर LCA तेजस प्रोग्राम में एक और डिले की बात की जा रही है और ये डिले इनके पार्ट्स और इंजन की सप्लाई से संबंधित है। आपको बता दें कि फिलहाल HAL की तरफ से ऐसी कोई कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। ये पुरानी रिपोर्ट है जहां पर जो सप्लाई चेन इशूज हैं इनके बारे में बात की गई थी और डिले को एक्सपेक्ट किया गया था। दरअसल पहले एयरक्राफ्ट में डिले का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार है, इसने अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लिया है। हाँ, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और दूसरे जो मॉडिफिकेशन है वो किए गए हैं, जिनके बाद से वैलिडेशन में समय लग गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक जो पहला एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा यहाँ पर अब नहीं बची है। अगली बड़ी अपडेट ब्राजीलियन आर्मी को लेकर के आ रही है। ब्राजीलियन आर्मी इस समय अपने लिए हाई और मीडियम एल्टीट्यूड के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको इवेलुएट कर रही है और इसके लिए जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और चाइना का नोरिंको स्काई ड्रैगन 50 इसमें टॉप टू कंटेंडर में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि 2023 में जब ब्राजीलियन आर्मी चीफ भारत के दौरे पर थे, तो उन्होंने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लिया था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। इसको इवेलुएट किया गया था उनके द्वारा और वो इसके रिजल्ट से पूरी तरीके से खुश थे। अब यहाँ पर आर्मेनिया आकाश का पहला कस्टमर है और अगर सब कुछ सही रहा तो ब्राजील के रूप में हमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का दूसरा कस्टमर देखने को मिल सकता है और भारत इस समय लगातार इसी प्रयास में है कि डील को फाइनलाइज करवाया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना में जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं इनकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और इसको पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो व्हीकल्स हैं इनकी खरीद की जानी है। और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है इंडियन आर्मी से, जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया है और इसमें 24 की संख्या में जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं जो कि शर्प N-1200 हैं, जो ये ऑल टेरेन व्हीकल जो है ये भारतीय थल सेना के द्वारा खरीदी जाएंगी। माना जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जवाब शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाएगा और उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसकी शुरुआत होगी। और रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सब कुछ सही रहा तो एडिशनल नंबर्स में भी हमें ये जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं ये देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारतीय थल सेना को डाइवर्स टेरेन में ऑपरेट करने के लिए इन व्हीकल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या भारत एक बार फिर से SA-57 प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है? दरअसल अनिल चोपड़ा सर, जो कि भारतीय वायुसेना के पूर्व वाला अधिकारी हैं, इनके एक बयान को लेकर के डिफेंस के गलियारों पर चर्चा शुरू हो गई है, जहां पर अनिल चोपड़ा सर ने यह कहा था कि भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए SA-57 फेलन प्रोग्राम को फिर से रिज्वाइन करना चाहिए। दरअसल अधूरी स्टेटमेंट को आधार बनाकर के डिफेंस के गलियारों पर चर्चाएं शुरू हुई हैं। अनिल चोपड़ा सर का वक्तव्य किसी और सेंस में था। अनिल चोपड़ा सर ने यह कहा था कि अगर AMCA प्रोग्राम में डिले को एक्सपेक्ट किया जाता है और पाकिस्तान को 2027 से पहले या 28 से पहले जो FGF है ये चाइना से मिलने की संभावना होती है, तो भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड नंबर्स में इन एयरक्राफ्ट को लेना चाहिए। उन्होंने कभी यही नहीं कहा कि MRFA में इनको लेना चाहिए। तो यहाँ पर चीजें पूरी तरीके से निराधार हैं और भारतीय वायुसेना खुद अभी AMCA को लेकर के दूसरे प्रोग्राम की तरफ नजर नहीं डाल रही है। सब जानते हैं कि कल की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अमेरिका और भारत स्ट्राइकर आर्मर व्हीकल को लेकर के काफी गंभीर हैं और इनके लिए जो बातचीत है वो भी चल रही है, भारतीय थल सेना के द्वारा इवेलुएट किया जा रहा है। लेकिन अब एक नई स्टेटमेंट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट स्ट्राइकर आर्मर व्हीकल है इसके अंडर पावर इंजन की वजह से जो भारत और अमेरिका के बीच में जो डिस्कशन है ये एक हर्डल को फेस कर रहा है। दरअसल अभी स्ट्राइकर में जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है ये कैटरपिलर का C7 इंजन है, जो कि 300 हॉर्स पावर का आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन भारत का ये मानना है कि इतने पावर के साथ भारत की डाइवर्स टेरेन में इनको ऑपरेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा और इसीलिए भारत चाहता है कि और पावरफुल इंजन जो है वो यूज़ किया जाए। जैसे कि अब कैटरपिलर की बात करें तो उन्होंने दो और इंजन जो है वो अल्टरनेट इंजन ऑफर किए हैं, जिसमें C15 इंडस्ट्रियल डीजल इंजन है जो कि 595 हॉर्स पावर को जनरेट करता है, तो वहीं दूसरा है C13
जो कि 536 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। देखते हैं आगे हमें क्या सुनने को मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय वायुसेना न सिर्फ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को इंडिजनाइज करने का प्रयास कर रही है और बड़ी संख्या में जो स्वदेशी फाइटर है इनको इंडक्ट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भारतीय वायुसेना का प्लान ये भी है कि इन फाइटर्स में जो मिसाइल हो वो भी पूरी तरीके से इंडिजनाइज होनी चाहिए। और इसीलिए आपने हाल ही में सुना होगा कि जो डर्बी मिसाइल है इसकी खरीद पर रोक लगा दी गई है और अब अस्त्र मार्क 1 वो मिसाइल होगी जो कि हमें बड़ी संख्या में BVR मिसाइल के तौर पर देखने को मिलेगी और आने वाले समय में स्ट्राइक पैकेज को 70% से ज़्यादा इंडिजिनस रखने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत हर क्षेत्र में मिसाइल बनाने में सक्षम है, फिर चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स हो या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हो, और यही हमें आने वाले भविष्य में एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।